पेपर गोल कर सकते हो ना? ऐसे तो मोड़ सकते हो? सिर्फ पेपर को ऐसे गोल करना है। अगर इसी के अलावा अगर हमें इसमें दूसरा पेपर लगाना है तो हमें आटा धागा गम लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इन्हें बिना आटा बिना गम से पेपर ज्वाइंट कर सकते हैं। इसमें आटा गम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपर बाहर से नहीं एक अंदर वाले हिस्सों में ज्वाइंट कर देगी। बता विद्यार्थी, मैंने इसके अंदर कोई आटा कोई धागा कोई गम लगाया? बिना आटा बिना गम से ये पेपर ज्वाइंट हो जाते हैं। और भी कलर पेपर्स लगाना है, हम इसमें चाहे जितने कलर पेपर्स लगा सकते हैं। तो बता विद्यार्थी, अभी मैंने इसमें कितने कलर लगा दिए? तीन। ये आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से तीन कलर से बताया जा रहा है। आप घर जाओ, इसमें चार पांच कलर पेपर और भी डाल सकते हैं। ये ही नहीं कि हमें खाली कलर पेपर से ही बनाना, आप इसे न्यूज़पेपर रद्दी पेपर का भी बना सकते हैं। और घर से लेंगे एक छोटी सी कैंची, है ना छोटा बड़ा घर में? पेपर को तीन भागों में काटना है। कितने भागों में? तीन। पहला भाग आधे से कुछ ज्यादा, एक छोटा हिस्सा और एक बड़ा। तो बड़े वाले हिस्से में भी बरोबर से काट देते, इनको भी आधे से कुछ ज्यादा। तो बता विद्यार्थी, अभी मैंने इसे कितने हिस्सों में काट दिए? तीन। दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? दो। और इसके भाग कितने बन गए? तीन। तो तीसरा कट बीच वाले सेंटर के अंदर कैंची लगाओ, सीधे से काट दो। एक इंग्लिश एक अंग्रेजी का प्रैक्टिकल अक्षर बनाओ जो अंग्रेजी में अक्षर होता है। बताओ इंग्लिश का कौन सा अक्षर बन गया? टी। मानिए आज कोई त्यौहार नहीं है, बना के रखो, बिगड़ेगा नहीं। कल या परसों कोई त्यौहार है तो हम इन पेपर से क्या करेंगे, इनमें से एक ही पेज पकड़कर इन्हें आहिस्ते से उठाएंगे तो ट्री से एंटीना पॉइंट्री तैयार हो जाती है। ऐसे हम बनाकर हम अपना घर है स्कूल है ऑफिस है वहाँ सजावट के लिए लगा सकते हैं। अगर ये डिजाइन्स बन बनाया मार्केट या बाजार से खरीदते हैं तो लगभग इसकी कीमत कम से कम 2-4 रुपये खर्च हो जाते हैं, लेकिन हम 2-4 रुपये के पेपर से ढेर सारे आइटम बना सकते हैं। तो बताओ बनाने में फायदा हुआ कि लाने में? बनाने में। ये पहला डिजाइन्स। बताओ एंटीना आपको अच्छी लगी? हाँ। अब हम आपको दूसरा डिजाइन